я тікаю Касандра, і кріпаю патера, за мій балара, що не падало фліканда, це мені мені лія, рядом були вірила, мій коріла, तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबके साथ एक न्यू वीडियो में। अब इस वाले मैच में भाई शुरू से लेकर आखिर तक मुझे बंदों को खोजने नहीं पड़ता, मतलब बैक टू बैक बंदे मेरे पास आते जाते हैं। भाई मुझे जस्ट उनसे फाइट लेना था, तो बस देखते थे। फिलहाल आए थे स्टेडियम के अंदर, M16 मिली थी, सामने की तरफ पूरी स्क्वाड उतरी है। फिलहाल के लिए मेरे को दूसरी गन भी चाहिए थी, लेकिन तभी जैसी नीचे आता हूँ ये भेजे मिलते मुझे, जिनको नॉक और फिनिश दोनों करते हैं। अब देखो मेरे को दूसरी गन भी चाहिए होती, हेलमेट वेस्ट भी नहीं था मेरे पास, तो मैं फटाफट से लूटना फिर से स्टार्ट करता हूँ। लेकिन लूटते लूटते ही मेरे को फुटस्टेप भी आ रहे थे और एक बंदा भी जस्ट मुंह के सामने आ जाता है। अब बचा कैसे मैं यहाँ पर पता नहीं मुझे, लेकिन भाई गलत ही सीन हो जाते हैं। अब जैसे उस बंदे से बचने के लिए मैं भागता हूँ, भाई ये बंदा मुंह के सामने आया था अचानक से, और मेरे को समझ में आ गया था कि भाई कवर बहुत ही ज़्यादा दूर है, मेरे को उस बंदे से फाइट लेनी मतलब लेना ही पड़ेगा। और मैंने लिया, अभी उस बंदे को नॉक करता हूँ फटाफट से। और तभी जो दूसरा बंदा था ना, जिससे मेरी पहले मुलाकात हुई थी, वो बंदा भी बाकी है जो कि शायद से रिवाइव ही कर रहा है। और जैसे उस बंदे ने रिवाइव कंप्लीट किया, इतने देर में ये बंदा कवर दे रहा था अपने टीममेट्स को, इसको नॉक करके मैं वापस से नीचे कूदता हूँ। और हेलमेट वेस्ट अभी तक नहीं मिलता मेरे को, और नीचे आता हूँ, एक ऑटो गन उठाता हूँ, और इसके बाद तो डायरेक्ट पुश करना था, लेकिन लकीली भाई यहाँ पर एक नीड भी पड़ा हुआ मिल जाता है मुझे, और इसी से काम ख़त्म होने वाला है शायद से इनका। और इसी के साथ भैया पूरी की पूरी स्क्वाड ख़त्म हो जाती है। अब देखो अगर वो नीड नहीं मिलता ना, तो शायद से कुछ भी हो सकता था यहाँ पर, लेकिन उस नीड ने काम कर दिया, और इतने देर में तो भैया ऑटो गन भी मिल गई थी मेरे को ईजिली निपटाइज वाली स्क्वाड को। और अगर आपको पसंद आया मतलब ये वाला क्लच, तो नीचे एक लाइक बटन हो गया है, जाके प्रेस कर देना। अब सब्सक्राइब करने का मौका मिलेगा आपको। अब देखो जब मैं शुरुआत में बोल रहा था कि मुझे बैक टू बैक बंदे मिलते जाते हैं, वो मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि देखो स्टेडियम जैसे मैंने क्लियर किया, उसके बाद मैं गाड़ी लेने के लिए जा रहा था, जस्ट बीच में मेरे को कुछ बॉट्स दिखते हैं तो मैं मस्त इनको मारता हूँ। लेकिन इसी बीच भाई यहाँ पर दो दो स्क्वाड्स आने वाली है, पहले स्क्वाड को जस्ट मैं मार नहीं मारा था, तभी ये दूसरी स्क्वाड की एंट्री होती है। अब हीलिंग्स के नाम पे बस मेरे पास बैंडेजेस और बूस्टर्स थे, तो हीलिंग फुल होने में टाइम तो लगने वाला काफ़ी ज़्यादा, और इतने देर में सामने वाला बंदा अपने टीममेट्स को भी बुला सकता है। चलो राइट वाले बंदों का तो पूरा सफाया हो चुका था, लेकिन अभी बस सामने वाली टीम बाकी है। अब हीलिंग लगाते लगाते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, और इतने देर में इस बंदे ने अपने टीममेट्स को भी बुला लिया था। अब चलो इसको तो मैं डाउन कर देता हूँ, लेकिन अभी भी इसके तीन बंदे हैं सामने की तरफ, और मेरी बैंडेजेस भी समाप्त हो चुकी थी, तो अब मेरे को क्रॉस करना ही था किसी भी हालत में, क्योंकि एक नॉक दिया मैंने सामने।
down. Enemy. Enemy down. अब हीलिंग्स के नाम पे सच बता रहा हूँ कुछ भी नहीं था मेरे पास, और क्योंकि इस बंदे ने मेरे को ऑलरेडी स्पॉट कर रखा था और क्योंकि मैंने इसके 3 बंदे डाउन दिए थे तो इतना तो मुझे पता था कि ये बंदा रश ज़रूर करेगा, और इस बंदे ने वही किया। और मैं जस्ट लेटा था लेफ्ट साइड से एक अलग एंगल बनाने के लिए, लेकिन तभी ये बंदा रश कर देता है और भाई मेरे को लेटे लेटे मतलब मुझे लगा स्पॉटेड, मतलब स्पॉट हो जाऊँगा मैं जब मैं इसको मारना स्टार्ट करूँगा, लेकिन वो बंदा स्पॉट ही नहीं कर पाता और इतनी कमाल थे मैं उसको निपटा देता हूँ। अब इस वाले स्क्वाड को मैंने निपटाने के बाद ना क्या होता है कि मैं उनको लूट रहा था मस्त बैठे बैठे, मेरे को इस अपार्टमेंट साइड से कुछ गंजे उड़ जाते हैं। अब रियल बंदूक तो नहीं लग रहे थे मुझे, लेकिन कुछ भी हो सकता था ना, तो मैं एक बार चेक करने के लिए आता हूँ और वेट करता हूँ यहाँ पर थोड़ी देर, लेकिन कोई भी नहीं दिखता मुझे थोड़ी देर बाद तक। तो मैं वापस से गाड़ी में बैठता हूँ और भाई उधर टाइम वेस्ट करने के बजाय जोन के अंदर आता हूँ और इधर बंदों को खोजने की ट्राई करता हूँ। और इतनी देर में सामने की तरफ एक ड्रॉप भी पड़ा हुआ दिखता है मुझे, तो एक बार लूट लेते हैं यार चल के। इन्होंने जस्ट अभी भी फ्लेयर चलाई थी और फ्लेयर को देखो आने में टाइम तो लगने वाला है। अब इससे पहले कि फ्लेयर आए और इन बंदों को MK वगैरह मिले तो भाई उससे पहले मेरे को उनको निपटाना था, रश करना था। अब देखो मुझे इतना तो पता था कि जब फ्लेयर आएगा ना तो ये बंदे लूटने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे और उसी बीच में को टाइम मिलेगा क्लोज इन करने का। अब होता वैसे ही है, फ्लेयर ड्रॉप जैसे ही गिरता है ये बंदे छतवत से कूदते हैं लूटने के लिए, और मुझे लगा ये बंदे मुझे नहीं देखेंगे, मस्त लूटने में इनका पूरा फोकस होगा, लेकिन बंदों का ध्यान इधर मेरी तरफ भी था। अब चलो मैं वापस पीछे तो नहीं जा सकता था, हालांकि बंदों ने मेरे को देख वेख लिया है, स्पॉट कर लिया है, लेकिन अब मेरे को जो भी हो फाइट लेना था, तो क्लोजिंग करके मेरे पास 4 नेड्स होते हैं तो मैं ट्राई करता हूँ इसी से। Enemy down. Enemy. Enemy down. आखिरी वाला बंदा भी नेड ही करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले मैंने नेड को कर रखा था तो भाई उससे पहले मेरा नेड फटता भी है, और इसी के साथ ये पूरी स्क्वाड तो भाई निपट जाती है। अब देखो लॉबी में मेरे अलावा 5 बंदे रह रहे थे और जोन देखो कितना छोटा हो चुका है, मतलब एक स्क्वाड तो पूरी कन्फर्म होने ही वाली है। अब मैंने पीछे से मतलब AW उठाने का भी ऑप्शन था, लेकिन मैंने सोचा यार इतने क्लोज रेंज में AW की क्या ही जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी उसकी जरूरत दिखने वाली है, मतलब ध्यान से देखना। अब अगर मेरे पास यहाँ पर AW होती तो भाई इतनी देर तक मेरे को बाहर निकल के मारना नहीं पड़ता स्प्रे, मतलब एक एक फटके में मार के कवर मार सकता था मैं। अब जैसे ही मैं स्प्रे देकर डाउन करने की ट्राई करता हूँ उसके टीममेट का कवर फहराता है और बन जाती है अपने पेटी। चलो कोई बात नहीं यार, यही थी अपनी आज की इस वीडियो में, अगले मैच में ट्राई करेंगे, अगली वीडियो में ट्राई करेंगे थोड़ा और मतलब ज़्यादा किलो और चिकन डिनर का। तो तब तक के लिए नीचे आपको लाइक का बटन दिख रहा होगा कर देना प्रेस, सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।